मेवाती ड्राइवर बोलते गाइस बहुत एक्सप्रेस मंडी होने वाली है। तो गाइस आरटीओ लग चुका है पीछे और हमने गाड़ी को उड़ा दिया है 100 से ऊपर। गाइस ये देखो ये गाड़ी गिरा दिया है भाई साहब। क्या गिराया है भाई साहब। फाइनली मंडी में आ चुके हैं क्योंकि अपनी गाड़ी आते ही तुरंत लग गई 30 वाली मंडी में से। और अभी बीजापुर की सब्जी मंडी में आ चुके हैं। यहाँ से कर रहे हैं तीसरे दिन के नींबू लोड। गाइस फुल एक्सप्रेस होने वाली मंडी। गार्ड फाड़ देंगे गाड़ी की और गाड़ी फाड़ दिएगी हमारी। तो गाइस वो खड़े पार्टी वाले उधर अभी ये गाड़ी लेके जाएंगे दुकान पे, यही मंडी में से ही भरेगी। तो चलते हैं गाइस दुकान पे मिलेंगे। फाइनली अपनी गाड़ी लग चुकी है लोडिंग के लिए और ये माल लोड होगा। क्या माल है इसमें, क्या माल है। ये देखो गाइस नींबू है इसमें जो कि अपनी गाड़ी में नींबू लोड हो रहे हैं तीसरे दिन की मंडी का। और गाइस हाल इतने बेकार हो पड़े हैं, 2-3 दिन हो गए नहाए क्योंकि उस मंडी में थे। इस पहले वाले ब्लॉग में जो मंडी देखी थी उसमें थे, उसमें भी नहीं मिला। आज इसमें आ गए, इसमें भी नहाने के लिए कुछ नहीं है। तो गाइस अभी यहाँ से लोड होने देते हैं और फिर मिलेंगे जब लोडिंग स्टार्ट होगी। और अपनी गाड़ी माल हो गया स्टार्ट लोड होना। गाइस चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ से लोड हो रहा है लेकिन बहुत स्लो मोशन में। ये देखो गाइस ये हो रहा कुछ इस तरह से लोड। गाइस फाइनली गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट जो कि बहुत ही ख़राब भरी है क्योंकि इस भत्ते से आगे माल है। इस भत्ते में थोड़े से कट्टे हैं बस 29 कट्टे हैं ओनली। तो गाइस चलते हैं अब आगे क्योंकि आगे ये इसमें पानी वानी मारेंगे जैसा भी कुछ। और गाइस नहाए हो चुके हैं 5-6 दिन तो प्लीज़ इग्नोर करना है कि कपड़ों में काफ़ी लोग आ रहे हैं क्योंकि नहाने को टाइम भी नहीं मिल रहा है और पानी भी नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं गाइस मिलेंगे अभी आगे, कांटा करवाएंगे इसको वहाँ मिलेंगे। नीली कांटे पा चुके हैं गाड़ी और वेट है इसमें 26,350। गाइस फाइनली अपनी गाड़ी में अभी पानी लग रहा है, ये देखो लग रहा पूरी गाड़ी भिजो रहे हैं क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत ज़बरदस्त। तो दिल्ली तक माल सूख के बन जाएगा पापड़, इस वजह से वो पूरी गाड़ी पानी पानी। वैसे ही बहुत गंदी थी ये गाड़ी, अब और ज़्यादा गंदी कर दी इन्होंने, पर कोई नहीं एडजस्ट करेंगे गाइस क्योंकि भाड़ा नहीं कटना चाहिए। जैसे गाड़ी गंदी हुई पड़ी वहाँ ज़्यादा हम गंदा हुआ पड़ा गाइस करें कहा। 3 लो भी पानी ना मिल रो नहा लो जब मिलेगो। तो इस वजह से गाइस जब इस पानी लगने देते हैं फिर चलेंगे ट्रांसपोर्ट पे, फिर वहाँ से बिल्ट लेंगे और फिर सीधा चलेंगे फुल एक्सप्रेस चलेंगे गाइस। यहाँ पर अपना ट्रांसपोर्टर है तो अभी बिल्टी बना रहा है गाइस, बिल्टी लेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से 100-110। तो गाइस बहुत एक्सप्रेस मंडी होने वाली है इस माल की, तो बने रहे एंड तक। फाइनल बिल्टी विल्टी मिल चुकी है तो अब चलेंगे गाइस फुल एक्सप्रेस। तो ठीक है गाइस चलो निकालते गाड़ी और मिलेंगे आपसे आगे। पेट्रोल पम्प पर ये खड़ी अपनी गाड़ी इधर। तो गाइस अभी इसमें फ्यूल नहीं है तो अभी फ्यूल कराते हैं क्योंकि बार बार रास्ते में लेने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो अभी करवाते हैं और फिर मिलेंगे आपसे बाद में, ठीक है ना गाइस। कुछ इतना डीजल आया अपनी गाड़ी में और टंकी हो चुकी है फुल, ये देखो। तो गाइस लगाते हैं ढक्कन और चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे रोड पे धुआंधार एक्सप्रेस स्पीड के साथ। तो गाइस फाइनली अपनी मंडी रहने वाली है कुछ स्पीड पे 80 की स्पीड पे, रोड पे धूम मचा देगा गाइस। मतलब कि अपनी गाड़ी अपनी मंडी है उसके 24 आवर्स। और गाइस 80 पे अभी नॉर्मल चलेंगे और आगे जैसा भी रहेगा तो गाड़ी 100-110 पे चलाएंगे और वो क्लिप भी आपको जरूर दिखाएंगे। गाइस फाइनली हम होटल पे पहुंच चुके हैं जो कि अपनी घर जैसी होटल है, वो रही सामने उधर। तो चलो गाइस उधर चलते हैं जल्दी से खाना खा खाते हैं फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है ना। गाइस खाना वाना खा हो चुका है फ्री और अभी चल रहा है अपनी गाड़ी के पास और हवा चल रही बड़ी ज़बरदस्त। तो गाइस खाना बड़ा ही ज़बरदस्त था और मैं यहाँ बहुत पहले से आता हूँ गाइस, 3-4 साल हो गई अब आया हूँ यहाँ पे और 3-4 साल पहले कंटिन्यू आता था। तो गाइस कोई भी आए तो एक बार जरूर विजिट करें। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र बॉर्डर यानी कि सोलापुर बॉर्डर।
और गाइस यहाँ पे लगा हुआ है बहुत तगड़ा जाम, क्योंकि काफी देर हो चुकी है यहाँ लगते लगते। और गाइस जाम ऐसा लग रहा है कि जो जितनी भी नींबू की गाड़ी है गाइस वो सभी इसी लाइन में है गाइस, ये सारी नींबू की गाड़ी है आगे तक। तो गाइस इसीलिए पीछे चल रहे हैं क्योंकि भाई सबको ये एक्सप्रेस है इस वजह से भाई, तो बीच में घुसना जरूरी नहीं है क्योंकि गाइस सारी कच्चे माल की गाड़ी है। तो गाइस चलते हैं और करते हैं इस बॉर्डर को पार और मिलते हैं बॉर्डर पार करके 80-90 किलोमीटर पे। ये गाड़ी अपने साथ चल रही है और बाकी गाड़ियां आगे जा चुकी हैं गाइस, लेकिन ये गाड़ी अपने साथ बची है, तो अपन इसी के साथ चल रहे हैं अभी तो, क्योंकि ये भी उसी पार्टी की है जिस पार्टी की अपनी गाड़ी है, तो इसको भी कोई टेंशन नहीं, तो अपने को भी कोई टेंशन नहीं, जरूरी नहीं है गाइस गाड़ी को डीजल पिलाना, क्योंकि अगर मंडी नॉर्मल भी हो सकती है नॉर्मल करवाएंगे, और नहीं होगी तो गाड़ी को भगाएंगे। सोलापुर बाईपास कर लिया है पार और अब हम जाएंगे कंडक्टर साइड तुलजापुर के लिए, वो जा रही है अपनी एक गाड़ी और अपन भी इसको काट देते हैं एकदम घर के। तो गाइस चलते हैं, इस पे मुड़ चुके हैं तुलजापुर टूल वाले, अरे सॉरी, तो मुड़ चुके हैं गाइस तुलजापुर वाले रोड पे, अब आ जाएगा तुलजापुर। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 2:30, तो अभी तो गाइस हम ही चलेंगे क्योंकि हमको अभी नींद नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए इस व्लॉग में बहुत कम फेस दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाइस बहुत बहुत मुसीबत रहती है यार गाड़ी घोड़े पे, तो इस वजह से इग्नोर करना यार गाइस, और बस आप सफ़र को एंजॉय करो, मुझ पे ध्यान मत दो, क्योंकि गाइस क्या करेगा भाई। ओ भाई गाइस सांप देखा था आपने, शायद दिखाऊंगा गाइस जूम करके अगर आया होगा तो कैमरे में, वहाँ सांप तो बचा दिया मैंने उसको। तो चलो गाइस मिलते हैं आगे। ये अभी रुका है तुलजापुर टोल पे, दोनों गाड़ी रुक चुकी है, ये अपनी खड़ी गाइस और ये भाई की खड़ी है। तो गाइस अभी देखते हैं अपनी गाड़ी के टायर वगैरह, क्योंकि यहाँ टायर और अभी आगे चलेंगे सहबाज भाई, सहबाज भाई को जगाऊंगा तो फिर मिलते हैं, ठीक है गाइस टायर वायर चेक करते हैं। तुलजापुर के टूल से चाय वायर या कोल्ड ड्रिंक सोल्ड ड्रिंक पी के चल चुके हैं, सहबाज भाई चला रहे हैं गाड़ी और अपन बैठे साइड में, क्योंकि अब अपन गाइस थोड़ी तैयारी में, अब सहबाज भाई चलेंगे भैया 80-90, तो फिर मिलेंगे गाइस आपसे सुबह, फिर तुम्हारा भाई चलेगा 110, क्योंकि कल टाइमिंग का पता चल जाएगा किस टाइम पे कैसे कैसे, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है गाइस, एक गाड़ी साथ चल रही है तो इसके साथ चलते रहेंगे और मिलते रहेंगे आपसे। अब सुबह मिलेंगे गाइस, क्योंकि मैं सो रहा हूँ, नींद आ रही है, 3:30 बज चुके हैं, तो ठीक है गाइस गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, दिन हो चुका है और मैं सो के जग चुका हूँ, और अभी हम औरंगाबाद से पहले, तो अब गाड़ी ले गए चलेंगे हम। तो गाइस आगे नहाएंगे धोएंगे फिर अपनी कंडीशन सुधर जाएगी गाइस, फिर चले गए यहाँ से, तो ये गाड़ी एक आ गई क्या अपनी, तो चलो गाइस चल लेते हैं और मिलेंगे आगे, अब कन्नड़ घाट भी दिखाएंगे। रुक चुके यूरिया वाले के पास, क्योंकि अपनी गाड़ी भी नहीं हुई आगे चल और भग नहीं रही थी, 60 तो दे टेल, 58 तो दे टेल को भी 60 दे रो भाई, ये सस्ता और दे मैं तो इस करते हैं बात अभी गाइस, फिर मिलेंगे। देखो गाइस औरंगाबाद सिटी है, ये बहुत बड़ी सिटी है औरंगाबाद गाइस, और जबरदस्त व्यू है भाई साहब, ये देखो भाई।
गाड़ी हो चुकी है हाई लेवल और अपना भाई तुम्हारा भाई भगा रहा है गाड़ी सौंपे। तो गाइस आगे आने वाला है कन्नड़ घाट, तो कन्नड़ घाट मिलते हैं गाइस और चलते हैं अभी धुआंधार। फाइनली कन्नड़ वाला रोड आ चुका है सिंगल, अब थोड़ी सी आगे आने वाला है कन्नड़ घाट। तो गाइस चलो मिलते हैं कन्नड़ घाट में ही, जो कि बड़ा ही डेंजरस गाइस, बहुत डेंजरस घाट है ये। ये देखो आ गया सामने घाट और अब इसमें हम लगाएंगे अपनी खाट फिर सोएंगे। अरे गाइस गलत मतलब अब हम चलते रहेंगे इसमें गाइस, इधर खाट वाट लगाने कोई काम नहीं है। ये देखो गाइस गहराई, इसकी गहराई हो में डूब जाओ गाइस। और ये हो चुका है स्टार्ट और ये देखो गाइस, तो गाइस ऊंचाई को देख के फटके हाथ में आ चुकी है, अब आप समझ ही सकते हो क्या फटी है। अब गाइस उतारेंगे इसको बिल्कुल आराम से, इसकी माँ का भाई। ये देखो गाइस यहाँ से गाड़ी गिरी थी, यहाँ से गाड़ी वाड़ी गिर जाती है गाइस क्योंकि यहाँ मोड़ वगैरह ऐसे ही है और स्पीड में गाड़ी आती है यहाँ पे क्योंकि यहाँ घाट मतलब नॉर्मल ही है तो गाड़ी अच्छी स्पीड पकड़ लेती है यहाँ तक। तो गाइस चलते हैं टाइम लैप्स और मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी खराब होती है तो इस वजह से जगह बना रखी है गाइस, क्योंकि अपनी वो 6007 के यहाँ पे दोनों टायर फटे थे नई गाड़ी के। तो गाइस अभी उतारते हैं इसको क्योंकि अब ये डिफिकल्ट होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब आपसे आगे मिलेंगे उस मोड पे, जिस जो मोड बहुत फेमस है गाइस इस घाट का सबसे फेमस मोड पे, तो उधर मिलेंगे फिर मिलेंगे आपसे। ये टर्न है गाइस जो कन्नड़ घाट का जो सबसे फेमस है, जो गाइस यहाँ से आ रही है गाड़ी वो आ रही उधर और वो गई उधर एक नीचे। ये जो टर्न है सबसे फेमस टर्न है, जो भी यहाँ यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं वो सब यहीं से बनाते हैं गाइस इसी टर्न से। तो इस पे लेंगे हम इधर और इधर से करेंगे इसको गाइस ऐसे, यहाँ फुल टर्न मारा और ये अपनी गाड़ी घूम गई। अपनी छोटी गाड़ी है गाइस ओनली और बस 25-25 फुट गाड़ी है। वो मिल गई अपने साथ वाली गाड़ी, देखो गाइस वो घूम रही है इधर, जबरदस्त गाड़ी लग रही है ना गाइस। और यहाँ पे देखो गाइस कितनी सारी सोलर पैनल लगी हुई है। फाइनली कन्नड़ से नीचे हम एक होटल में पहुंच चुके हैं, मामराज की पे SS चौधरी है, राजस्थान हरियाणा पंजाबी होटल पहुंच चुके हैं। वो रहा उधर गाइस कन्नड़ घाट है इधर, तो इधर कन्नड़ घाट है। तो गाइस अभी नहा के आता हूँ फिर कंटिन्यू सिकल वाला ही दिखा के व्लॉग बनाऊंगा क्योंकि गाइस बहुत शर्म आ रही थी, इतनी बुरी हालत आज से पहले कभी नहीं हुई लोगों में। बैठे खड़े पे और हमने बोली ऐसे भाजी दूध में, भाई यार दूध वाली मत गिरनी वो खट्टी हो जाएगी दूध में, खाना खाते फिर मिलेंगे आपसे। गाइस नहा धो हो चुका है फ्री खाना वाना खा के और ये खड़ी अपनी दोनों रानी, अब ले चले गए इन्हें और देख भाई सिगरेट पी रही जो कि बहुत गलत बात है। तो कोई नहीं चलते है गाइस फिर मिलेंगे आपसे रास्ते में आगे बॉर्डर वॉर्डर पे। ये देखो गाइस ये गाइस मेवाती ड्राइवर बोलते। तो गाइस इसमें अभी हाइट का माल नहीं है इस वजह से इतने खास वो नहीं लग रहे, पर जो है मस्त लग रहे गाइस आंखों से तो दिखने में मस्त लग रहे, बाकी कैमरे का आपको पता। ये गाइस ये देखो पागल कर दिया इन ट्रक को। तो गाइस ये देखो अंडा भड़क रहा था अभी, ये कर रहा था तो मारेंगे अपन अवर टैक, छोटे वोटे नहीं मारेंगे गाइस सिर्फ अवर टैक। देख भाई साहब फिर भाई ये देखो भाई साहब ऐसे एंजॉय के साथ मिलेंगे आगे। ये लो भाई ये आज नहीं रुकने वाला।
तो गाइस मराठी मारेंगे बहुत, ये देखो। ओ बस बस ओके। जिस खानदानी रोड की हम बात कर रहे थे ये वही खानदानी रोड है, क्योंकि इसमें खड्डे इतने हैं, इतने इसमें ट्रक नहीं चलते। बहुत ही बेकार टूटा बिगड़ा हुआ रोड है गाइस, बहुत ही बेकार भद्दी एकदम, और अभी तक बन नहीं रहा है यार। बहुत वो है, मतलब बहुत पहले आया था मैं इस रोड पर, अब बहुत दिनों बाद आया हूँ। पहले भी ऐसे ही देखा था और अब भी ऐसे ही देख रहा हूँ। ये देखो ये गाड़ी गिरा दिया है भाई साहब, क्या गिराया है भाई साहब, एक तरफ उतराएगा ये शायद मेरे हिसाब से, इसीलिए इस तरह से लेट चुका है भाई। और बहुत ही ब्रो गिरो भाई साहब, दूसरी गाड़ी माल अनलोड हो रहा है, तो चलो गाइस मिलते हैं आगे। गाइस फाइनली ये पता नहीं कौन सी नदी है लेकिन जो है जबरदस्त है, और तुम्हारा भाई बैठा है खिड़की पे गाइस, क्योंकि मैं कूदने वाला हूँ इस नदी में बहुत जल्द। तो गाइस अभी इसका इधर लेके जब कूदेंगे इसमें तो बड़े रहने का, ठीक है ना गाइस, मिलते हैं पानी के अंदर। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं पलासनेर बॉर्डर पे, और ये लग रही है लाइन लंबी लंबी सी। तो गाइस किस्मत खराब रह गई हमारी, जो लाइन में लगता हूँ वो लाइन चलती नहीं है कभी भी, बॉर्डर हो टूल टैक्स हो या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड जिस लाइन में लग गया वो नहीं चलेगी। तो गाइस अभी इसको करते हैं पार, यहाँ पे भी पैसे दे कर आने पड़ेंगे भाई। गाइस जल्द आप दे के आ चुका है इनको पैसे, बॉर्डर हो चुकी है पार। गाइस फाइनली पलासनेर घाट स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। गाइस फाइनली पलासनेर को और सॉरी सैंधवा बॉर्डर को कर आए हुए हैं पार, और गाइस अब चल रहे हैं इस रफ्तार। तो गाइस बहुत भयंकर जाम था पलासनेर पे, लेकिन वो साथ की गाड़ी बॉर्डर पे ही मिल चुकी थी तो उनकी वजह से बहुत जल्दी नंबर आ गया। गाइस होटल से आ चुके हैं निकलने के बाद रोड पे, और गाइस रोड पे बस पूछो मत बहुत ज्यादा भीड़ है। ये देखो गाइस आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रहा है गाइस, अभी ओवरटेक किया है, चढ़ाई में चल रहे हैं। तो गाइस अभी इंदौर पहुंच चुके हैं, ये मान लो यहाँ से इंदौर से थोड़ा सा ये 10-5 किलोमीटर, तो अभी चल रहे हैं गाइस अपने आराम से 60-70 गाइस। तो चलो गाइस चलते हैं, और वो गाड़ी अपनी चल रही है उधर सामने फर्स्ट लाइन में। गाइस कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं ये नहीं देखते कच्चा माल है पक्का माल है, ऐसे ऐसे करा माल तेरा है, जो कुछ है भुगतेगा तू, भाड़ा कटेगा तेरा, इनाम कटेगी तेरी, और ये बस अपनी ऐसे ऐसे करवाते हैं गाइस। ये जैसे डब्बे वाला ड्राइवर है बहुत, मतलब कि इतना गुस्सा रहा था इस गाली जूस को, पर उससे कोई फायदा नहीं, थोड़ी जबान गंदी होगी। तो गाइस फाइनली हम देवास पहुंच चुके हैं, और नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त क्योंकि रात के बज रहे हैं 2। तो गाइस बहुत भयंकर नींद आ रही है अब 2 बजे, और ये अपनी गाड़ी खड़ी है दोनों धन्नो रानी। कमेंट बताना गाइस कौन सी अच्छी लग रही है, पर गलत बात ही, ये गाइस BS4 है, ये BS6 है, तो कोई नहीं दोनों अच्छी गाड़ी हैं। तो और गाइस हाँ आपसे आवाज़ भाई चलेंगे यहाँ से आगे, तो
तो मिलेंगे आपसे रास्ते में, ठीक है? तो गाइस कोल्ड ड्रिंक पी का आ चुका है, अब गाड़ी लेके चलेंगे शहबाज भाई। और तेरा नाम कहा? सलमान खान, सलमान कैथवाड़िया भाई, सलमान कैथवाड़िया। कमांडो टी शर्ट पहन रखी गाइस, अब जोड़ वोड़ाने उठाए हुए, वजह से अब अपन सो जाते हैं गाइस, अब मिलेंगे सुबह। तो ठीक है गाइस, गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और सुबह बज रहे हैं 8। और गाइस मैं अब सो के उठ चुका हूँ और अपन चला रहे हैं अपनी गड्डी को। और गाइस अभी अभी रुके थे हम एक पीछे होटल पे, उधर मस्त खीर मारा था ठंडा ठंडा। और अब वो आगे चल रही है अपनी एक गाड़ी उधर, तो भाई चलते हैं, चलते रहते हैं, अब मिलेंगे आपसे रास्ते में, क्योंकि यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ है तो तबाही मचा लेते हैं थोड़ी इस रोड पे, उसके बाद मिलेंगे, ठीक है ना गाइस? ये देखो गाइस, तो गाइस अभी कॉल आ रहा है, इसको अटेंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ। दिखाने में भी और गाड़ी चलाने में भी, क्योंकि बड़े ही अच्छे बच्चे हैं जो गाड़ी चला रहे हैं आगे, बड़े ही मतलब कहते हैं ना कि बहुत बढ़िया बालक है, वास्तव में बहुत बढ़िया बालक है। और हमारे शहबाज भाई बैठो कंडक्टर राइड, और आगे चल रही है भाई अपनी गाड़ी, और अपन तो चला रहे गाड़ी अपनी धंधों को, तो करते टूल पार और फिर मिलेंगे आपसे आगे। तो गाइस फाइनली खाना खा के आ चुके हैं और ये चल रही है अपनी गाड़ी आगे। और गाइस अपन बनाएंगे इस गाड़ी के ऊपर से इसकी वीडियो, तो चलो गाइस चलते हैं, अब हम बैठ जाते हैं रस्ते वस्ते पकड़, क्योंकि अभी हम खड़े हैं, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं गाइस आगे। धूप पड़ रही है पूरी, हवा लग रही है ठंडी, करीब आ चुकी है बिल्लो रानी, ये देखो। गाइस गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और अंदर आए इसलिए क्योंकि एक गाड़ी और आगे से आ रही है गाइस, जो कि मुहूर्त का चक्कर लेके जा रही है, पहला चक्कर जो वो बन ठंड के अभी आई है, तो सादा सिंपल गाड़ी होगी, तो वो दिखाऊंगा गाइस अभी आएगी, तो आगे मिलेंगे ना उससे मेरी जान होगी। और गाइस वो SVC की गाड़ी है जो कि 6007 थी ना, उसी कंपनी की गाड़ी है गाइस। फाइनली वो गाड़ी आ चुकी है, वो रही देखो उधर 14 चक्का गाइस SVC, इसके नंबर दिखाऊंगा आपको, ये इसके नंबर भी बड़े VIP हैं, तो चलो गाइस चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसके नंबर और मिलाते हैं इनके ड्राइवरों से। जी ये मुहूर्त का चक्कर लेके जा रही है, ये देखो गाइस 1007 है ना VIP नंबर। और गाइस कुछ अंदर से इसका मीटर ये है, और ये देखो गाइस बड़ी जबरदस्त बना हुई है, शीशा वीशा लगा के, ये देखो भाई JBL के स्पीकर, और भाई साहब जबरदस्त बना रखी है। अभी तो गाइस बिल्कुल सिंपल है क्योंकि अभी पहले ही चक्कर है ना इसका, इस वजह से अभी तक चली भी 1017 किलोमीटर ही। तो ठीक है गाइस अभी बाहर से दिखाते हैं पीछे से जैसा भी कुछ, गाइस पीछे से कुछ इस तरह फट्टे वट्टे बनवा रखे हैं यार, मेरे चैनल का नाम लिखवा लिया आप, अब क्या
रिक्वेस्ट करनी पड़ेगा गाइस। रीडिंग कराएं, रीडिंग। तो ये सब अपनी गाड़ी है गाइस, कभी मिलो भाइयों से तो जरूर बात करना मुझसे। क्या जबरदस्त लग रही है गाइस, कमेंट में बताना गाइस कैसी लग रही है ये लीलैंड की 14 चक्का। फिर मिलेंगे आपसे। तो गाइस आरटीओ लग चुका है पीछे और हमने गाड़ी को उड़ा दिया है 100 से ऊपर विद एक्सीलेटर के साथ। तो गाइस आगे चल रही है गाड़ी और बस इनको बजाते हैं हॉर्न। तो चलो गाइस मिलेंगे आगे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका है आगरा बाईपास पे, और आगरा बाईपास पे देखेंगे गाइस थोड़ी देर रुकेंगे, टायर बार हवा लगाएंगे फिर चलेंगे। बाकी यहाँ पे आगरा की पेठा मिलती, किसी भाई को ले जानी हो तो जरूर ले जाए। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं होटल और ये जा रहा है नूह के लिए ये रास्ता गाइस। तो अपन चलेंगे नूह की तरफ क्योंकि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे घर पे काम है गाइस अर्जेंट। तो इसलिए साहिर भाई इसको दिल्ली लेके जाएंगे। और गाइस अभी बड़कली तक चले गए अपन, बड़कली चौक इसके बाद बड़कली साहिर भाई का चैनल है जो की। तो गाइज अभी यहाँ से यू टर्न लेंगे इधर बड़कली की तरफ। तो गाइज चलते हैं और फिर मिलेंगे यहाँ से सर्विस रोड पे लेने के बाद। फाइनली मेवात के सिंगार में पहुँच चुके हैं फिलहाल अभी, जहाँ का कुसिंगारिया गाइज जो कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तो गाइज ये कुछ मेवात है इस तरह का यहाँ पे। तो गाइज अपन चल रहे हैं बड़कली चौक, तो आपको मिलेंगे आगे क्योंकि सिंगल रोड और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यहाँ पे गाँव में भी। ये गाइस मिलते हैं आपसे बड़कली चौक। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं बड़कली के पंप पे, जहाँ पे साबिर भाई आने वाले हैं यहाँ पे ही। तो गाइस जितने हम टायर वायर देखते हैं चेक करते हैं जैसा भी कुछ, तो फिर मिलेंगे आपसे गाइस। अभी साबिर आने के बाद मिलते हैं, ठीक है गाइस। अभी साबिर भैया को करते हैं वेट और फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है गाइस। साबिर आ चुका है इस गाड़ी का मालिक, ये मालिक है साबिर। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि काम था इसलिए, और साबिर भाई जाएंगे इसको दिल्ली खाली करने। तो चलो चलते हैं गाइस।